ओम शांति। 17 अक्टूबर की शुरुआत में आप सबका स्वागत है। जब तक विघ्न नहीं आते तब तक हमारे एक्सपीरियंसेस नहीं बढ़ते, अनुभव नहीं बढ़ते हैं, तो फिर हमारे पास में अनुभवों की अथॉरिटी नहीं आती है। और परमात्मा चाहते हैं कि हमारे पास में अनुभव की अथॉरिटी बढ़े और हम उमंग उत्साह को कभी घटने ना दें। उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि परमात्मा हमें सिखाते हैं इस वरदान में। परमात्मा कहते हैं, वैरायटी अनुभूतियों द्वारा सदा उमंग उत्साह से भरपूर रहने वाले विघ्न जीत भव। विघ्न मतलब कोई भी, अगर आपके सामने ऑब्स्टिकल आता है, कोई भी पड़ाव आता है, उससे आप जीत पाओ। रोज अमृत वेले सारे दिन के लिए वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट्स बुद्धि में इमर्ज करो। सुबह सुबह उस टाइम जो है, जैसे कि आपने अगर लैपटॉप खोला, आपने आज लैपटॉप खोला, आपने ऑटोमेटिकली सारे उसके अंदर एंटीवायरस, उसका बूटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है। उसी तरीके से अमृत वेले का जो समय है, उस समय अगर हम अपने आप को बूट कर लेते हैं, मतलब कि अपने मन बुद्धि के अंदर अच्छे थॉट्स, अच्छे प्यारे थॉट्स, अच्छे पावरफुल थॉट्स क्रिएट कर लेते हैं, तो वो अमृत वेला का जो समय है वो हमारा पूरा दिन को सस्टेन करता है। पूरे दिन भर हम उमंग उत्साह में रहते हैं, खुश रहते हैं, एज कम्पेयर टू जो कि अगर कोई इंसान 9 बजे 10 बजे उठ रहा हो, 8 बजे उठ रहा हो। फिर पर हम तो कहते हैं, उमंग उत्साह की पॉइंट्स बुद्धि में इमर्ज करो। हर दिन की मुरली से उमंग उत्साह की पॉइंट्स नोट करो। जैसे आज की मुरली में परमात्मा ने कहा कि तुम्हारे 84 लाख जन्म नहीं होते हैं, 84 लाख जन्म होते तो बहुत थक जाते हैं। 84 जन्मों में इतना थक चुका, 84 लाख जन्मों में कितना एक आत्मा थक जाएगी, अलग अलग पार्ट्स प्ले करते करते, वो भी 84 लाख में। तो कितने हम पक्षी, कीड़े मकोड़े बनना, सब कुछ बनना, डर में रहना, कोई खा जाएगा मुझको, कितना स्ट्रेस होगा। तो आप सोचिए 84 लाख एज कम्पेयर टू 84 जन्म। तो परमात्मा कहते हैं, कितने उमंग उत्साह की बात है, खुशी की बात है कि नहीं है। फिर परमात्मा कहते हैं कि आपके अंदर जो डायमंड जैसी क्वालिटीज है, गुण है, वो अगर आप अपने अंदर भरते हो तो आपका अगला जन्म डायमंड जैसा बनता है, मतलब कि आप देवता जैसे बनते हो एज कम्पेयर टू अभी का जो जन्म है। तो परमात्मा आए हैं हमें नर्कवासी से स्वर्गवासी बनाने के लिए आए हैं परमात्मा। और परमात्मा आते हैं हम जैसे ही किसी और के तन में प्रवेश करते हैं। हम अपना तन लेते हैं, लेकिन परमात्मा किसी और का तन लेते हैं, हमसे बात करने के लिए, हमें गाइड करने के लिए, हमारा सदगुरु बनने के लिए। ये भी उमंग उत्साह की बात है कि परमात्मा ने मुझे चुना, कि मुझे ये ज्ञान क्यों दिया, मेरे अंदर कुछ है, कुछ गुण है, कुछ क्वालिटीज़ हैं। ये अपने आप को ये कहना मेडिटेशन में भी कितनी बड़ी बात है। वह वैरायटी पॉइंट्स उमंग उत्साह बढ़ाएंगी। ऐसे बहुत सारी पॉइंट्स होते हैं जो कि हर दिन मुरली में निकलते हैं, जो कि परमात्मा हमें बहुत ऊपर चढ़ाते हैं। हम दिन भर अपने आप को धन दौलत तन और तरीकों से अगर हम देखें, अपने आप को दैहिक तरीके से देखें, देहाभिमान में आकर के, तो हम बहुत लो फील कर सकते हैं। लेकिन जब हम रूहानी तरीके से अपने आप को देखते हैं, परमात्मा हमारा क्या प्लान कर रहा है, हमें कैसे देखता है, किस नज़र से देखता है, वो तो तभी पॉसिबल है जब मुरली पढ़ रहा हूँ। तो उनमें से जब पॉइंट्स निकलती है उमंग उत्साह की, उसको अगर हम रिपीट करें दिन में, चाहे कोई भी सिचुएशन आए, कोई भी विघ्न आए, तो हम उसको पार कर पाते हैं। मनुष्य आत्मा का नेचर है कि वैरायटी पसंद आती है। हर दिन सेम सब्जी तो खा नहीं सकते, राइट, सेम कपड़े नहीं पहन सकते हैं। इसलिए चाहे ज्ञान की पॉइंट्स मनन करो या रूह रिहान करो, ज्ञान की पॉइंट्स के बारे में आप याद करो या रूह रिहान करो, परमात्मा से अपनी दिल की बातें करो, वैरायटी रूप से जीरो बन अपने हीरो पार्ट की स्मृति में रहो। वैरायटी रूप से, वैरायटी में देखा जाए तो पोस्ट आ गई, पोजीशन आ गई, धन संपत्ति आ गया, बैंक बैलेंस आ गया, आपका प्रॉपर्टी आ गई, क्या कमा रहे हो, क्या नहीं कमा रहे हो, कितने लोगों को जानते हो, क्या लिंक्स हैं आपके, ये सब कुछ आ गया। ये वैरायटी रूप में अपने आप को उस समय के लिए जीरो कर दो जब परमात्मा से कनेक्शन करना है। जीरो करेंगे तब जा करके हम अपना हीरो पार्ट प्ले कर पाएंगे। लेकिन अगर हम इसी दुनिया में, मैं इसको जानता हूँ, मेरे पास इतना धन, इतनी प्रॉपर्टी मेरे पास में, मैं ये लिंक लगा सकता हूँ, वो कर सकता हूँ मैं, या कुछ भी अगर हम ट्राई करते हैं, तो हम वो हमें नीचे रखता है, परमात्मा से जुड़ने नहीं देता है, क्योंकि वो सारी दैहिक बातें हो गई, वो अलौकिक बातें नहीं हुई। फिर परमात्मा कहते हैं, इसलिए उसको जीरो कर दो, तो उमंग उत्साह से भरपूर रहेंगे और सब विघ्न सहज समाप्त हो जाएंगे। और उमंग उत्साह कब हमारा कम आता है, जब हम धन संपत्ति, और के जीवन में क्या हो रहा है, मेरा कैसा हो रहा है, और के जीवन का क्या हो रहा है, मेरे जीवन में कैसा हो रहा है, परमात्मा ने मुझे क्या दिया हुआ है, धन दौलत मेरे पास में कितनी पड़ी हुई है, जायदाद कितनी पड़ी मेरे पास में, किस किस को जानता हूँ मैं, क्या लिंक्स हैं, कितना आगे बढ़ गया हूँ मैं किसी और से, ये कंपेरिजन कॉम्पिटिशन करते करते परमात्मा कहते हैं कि तुम दैहिक चीज़ों में जब आते हो तो तुम्हारा उमंग उत्साह कम होता है। अंदर से कंपैरिजन कंपटीशन चिड़चिड़पन जो होता है और को देख करके आगे बढ़ते हुए, उस कारण से हमारा उमंग उत्साह जब कम होता है, तो हम आगे जो प्रॉब्लम्स आती है उनको भी हम बहुत बड़ा दिखना शुरू कर देते हैं, वो छोटी नहीं लगती है, वो बड़ी दिखनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए वो हमें विघ्न समाप्त करने मुश्किल हो जाते हैं। तो विघ्न कैसे समाप्त करें, सबसे पहले उमंग उत्साह के पॉइंट्स को मुरली में से निकालें। हर दिन जो मुरली सुनते हैं, लेकिन मुरली सुनने से पहले 7 दिन का कोर्स करना भी तो जरूरी है। आइए ब्रह्म कुमारी।
हमारे सेंटर में जा करके 150 देशों में जहाँ भी जा सकते हैं आप, ऑनलाइन जाइए, ढूंढिए सेंटर नियरेस्ट टू यू ब्रह्मा कुमारीज का, एंड ढूंढ करके उस सेंटर में जाइए, 7 डे का कोर्स करिए। ओम शांति के साथ।